किचन माय डिश में आपका स्वागत है। आज हम माय किचन माय डिश में मुगलाई कीमा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम मटन कीमा लिया है। इसे बिल्कुल बारीक कूटा है। 250 ग्राम हरी मटर लेकर छील के दाने अलग कर लिए हैं। और इसके मसालों में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज क्रश की हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, हरी धनिया बारीक कटी हुई, 1/2 कप दही फेंटी हुई। और खड़े मसालों में हमने दालचीनी, 3 छोटी इलायची और 4 लौंग ली है। पकाने के लिए तेल लिया है। हमारा पॉट गर्म हो गया है और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और पकाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल आराम से 2 टेबल स्पून तक डालना है। और इसमें सबसे पहले हमने ये खड़ा गरम मसाला डालना है, सिनेमन स्टिक्स, छोटी इलायची और लौंग। इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब इन मसालों की खुशबू आने लगे तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भून लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। इसमें अब हम बाकी मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, हरी मिर्ची क्रश की हुई, ग्रीन चिली क्रश की हुई, ये कुछ 8-10 ग्रीन चिलीज ली है हमने 250 ग्राम के चिकन मटन मिंस के लिए। और ये 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। ये हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ये कीमा मिलाएंगे, कीमा डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। साथ में ये टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट स्वाद अनुसार इन्हें डालकर अच्छी तरीके से चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे ये मिलाने में आसानी हो जाए। इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आंच को तेज रखना है। ध्यान रखें कीमे को बहुत जल्दी जल्दी चला के और भूनना है ताकि वो कीमा गट्ठा नहीं बने, मोटा मोटा गट्ठा नहीं बने। मुगलाई कीमे के अंदर खास चीज यह है कि कीमा बहुत बारीक कुटा हुआ होता है और उसके गट्ठे नहीं होते हैं। इसे भूनते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि लम्प्स ना बने, कीमे के लम्प्स ना बने, उसमें कुछ मोटे मोटे पीसेस ना आए, ये ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पकने देंगे। कीमा हमारा अच्छी तरीके से पक रहा है। अब हम इसमें दही मिला लेंगे, दही ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से फेटी हुई दही है। और ये मटर, दही और मटर को हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये ग्रीन कलर का होता है और इसे देखेंगे, इसे अच्छे से भूनना चाहिए। दही का पानी भी भून जाना चाहिए। इसे इतना भूनना है कि दही का पानी अच्छी तरीके से भून जाए। हालांकि हमने दही में पानी नहीं डाला है, फिर भी जो पानी है वो सूख जाना चाहिए। और इसके साथ में अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें
कसूरी मेथी, बारीक कुटी हुई कसूरी मेथी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसे फिर से चलाएंगे, इसे फिर से खोल कर चलाएंगे और इसमें 4-5 ग्रीन चिलीज को बीच से चीर के डालेंगे, उससे इसका फ्लेवर बहुत एनहेंस हो जाता है। इस फ्लेवर की वजह से जब इसे हम सर्व कर रहे होते हैं या किचन में बना रहे होते हैं तो घर के सारे लोगों के मुंह में पानी आता है इसको बनते टाइम। ऐसा लगता है कि जल्दी से रेडी हो और हम जल्दी से खा लें। अच्छे से भून रहा है हमारा कीमा, मोगलई कीमा हमारा अच्छे से भून के तैयार हो रहा है। हमने जो गरम मसाला डाला है वो गरम मसाला से खोलकर चेक करेंगे, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी और बहुत शानदार खुशबू आ रही है। घर में से सब लोग शोर मचा रहे हैं, ये जल्दी खाना है, जल्दी खाना है। अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्विंग डिश में डिश आउट कर लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया मोगलई कीमा विद पाव। पाव को हमने हल्के से मस्के में फ्राई कर लिया है, ज्यादा देर नहीं फ्राई किया है, बस हल्का सा फ्राई किया है, मॉइस्चर आ जाए। इसके ऊपर हमने हरे धनिए की गार्निशिंग कर दी है, लेमन लगाया है। इस लेमन को उसमें निचोड़ कर लोग खाना पसंद करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ये चीज़ें हमने जो बताई हैं इन्हें बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बाय।